दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल शिवा एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों साल 2024 का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च 2024 दिन सोमवार को लगने जा रहा है। यह ग्रहण बहुत ही ज़्यादा अद्भुत होने वाला है, क्योंकि इस दिन होली का पावन त्यौहार भी है। इस ग्रहण के दौरान तीन ऐसे खास संयोग बनने जा रहे हैं जो कि लगभग 100 साल के बाद बन रहे हैं। तो आखिर कौन से ऐसे खास संयोग है और ग्रहण के दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है, ग्रहण काल के समय नक्षत्र कौन सा पड़ रहा है, राशि कौन सी पड़ेगी, इसके साथ ही हम लोग ग्रहण का सही समय और सूतक काल क्या होगा, इन सभी के विषय में विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि इस बार होली के पर्व पर यह ग्रहण पड़ रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक जरूर करें। दोस्तों वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्र ग्रहण उस स्थिति को कहा जाता है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में धरती आ जाती है और ये तीनों एक ही रेखा में होते हैं। ऐसी स्थिति में प्रायः पूर्णिमा के दिन पड़ती है। तीनों एक ही रेखा में होने की वजह से सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, बल्कि धरती के द्वारा चंद्रमा को ढक लिया जाता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण को बहुत ही अशुभ बताया गया है। यह एक अशुभ घटना होती है। माना जाता है इस समय चंद्रमा कमजोर पड़ जाता है और इस समय के दौरान नकारात्मकता बढ़ जाती है। ऐसे में चंद्र ग्रहण के समय में सभी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। ऐसे में दोस्तों चंद्र ग्रहण का समय आपको जरूर जानना चाहिए। दोस्तों उससे पहले बता दें कि 25 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण, तो वहीं होली का पावन त्यौहार भी है। 24 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा यानी कि रात्रि 11:22 से रात्रि 12:35 तक रहेगा। 24 मार्च को होलिका दहन की अग्नि जलाई जाएगी और 25 मार्च को होली का पावन त्यौहार खेला जाएगा। होली के पावन त्यौहार पे चंद्रमा का यानी कि जो ग्रहण का है असर रहेगा। तो दोस्तों आपको पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। दोस्तों साल 2024 का जो पहला चंद्र ग्रहण है ये लगने जा रहा है 25 मार्च 2024 दिन सोमवार को लगेगा, यानी कि होली के पावन त्यौहार पर यह चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, जहां एक तरफ इसके 14 दिन बाद सूर्य ग्रहण का भी असर देखने को मिलेगा, यानी कि 15 दिन के अंदर दो ग्रहण लगेंगे। दोस्तों बता दें कि यदि एक ही यानी कि महीने के अंदर दो ग्रहण लगे या 15 दिन के अंदर लगे तो यह काफी अशुभ संयोग माना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों बता दें कि इस ग्रहण में कई दिव्य दुर्लभ शुभ संयोग का भी निर्माण हो रहा है। एक तो होली का पर्व है और साथ ही कई ग्रहों की युति के कारण और भी ज्यादा खास हो गया है। ऐसे में दोस्तों बता दें कि होली का पावन त्यौहार और चंद्र ग्रहण का पड़ना ये काफी ज्यादा विशेष रहने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि यह संयोग 100 वर्षों के बाद केवल एक ही बार होता है। इस ग्रहण में एक और बहुत ज्यादा भयानक खतरनाक संयोग भय दोस्तों वह है, बता दें कि इस दिन एक तो सोमवार का भी दिन है और इस दिन कई यानी कि शुभ योग जैसे कि काल सर्प योग का योग भी बन रहा है, शनि का सस योग भी बन रहा है और भी बुद्धादित राज्यों का निर्माण भी हो रहा है। दोस्तों बता दें कि ये बेहद दुर्लभ संयोग है। दोस्तों साल 2024 का ये पहला चंद्र ग्रहण ये कन्या राशि में पड़ेगा। चलिए जान लेते हैं ग्रहण की सही समय और सूतक काल के बारे में। दोस्तों चंद्र ग्रहण में सूतक काल ग्रहण लगने से ठीक 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। ग्रहण के सूतक काल के दौरान सभी प्रकार के शुभ कार्य की मनाही है। इस दौरान देश भर के तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। अगर आपको ग्रहण का लगने का सही समय पता है तो आप उनमें से 9 घंटे पहले घटा करके सूतक काल का समय निकाल सकते हैं। चलिए आप जानते हैं यह ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा। दोस्तों हम लोग इस विषय में भी बात करेंगे कि इस दिन होली का जो है असर कैसा रहेगा इसके ऊपर, इस ग्रहण पर, या ग्रहण का असर होली पर कैसा रहेगा, कौन कौन सी सावधानियां भी बरतनी है गर्भवती महिलाओं को, यह भी बात करेंगे। दोस्तों यह ग्रहण अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, साथ ही यूरोप के कुछ देश में, ग्रीनलैंड और यूरोप के कई हिस्सों में जैसे कि देखा जाएगा, अफ्रीका में देखा जाएगा, एशिया के कुछ हिस्सों में देखा जाएगा, चीन, जापान, रूस में देखा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में देखा जाएगा और भी कई देशों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिन में रहेगा, इसलिए इसका असर नहीं रहेगा। ऐसे में ग्रहण से जुड़े नियमों का पालन आप कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन काम काज शुभ कार्य वर्जित नहीं रहेंगे।
जो कि ग्रहण के दौरान, हालांकि गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के टाइम में कभी भी भोजन नहीं पकाना चाहिए, ना ही भोजन खाना चाहिए इस दौरान, यानी पानी भी नहीं पीना चाहिए। हालांकि जो लोग बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, ऐसे व्यक्ति पर यह नियम लागू नहीं होता, वह लोग भोजन कर सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं। दोस्तों, चंद्र ग्रहण में कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहण से बहुत सारी नकारात्मक किरणें निकलती है, यदि किरणें आपकी आंखों में नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसे में ग्रहण को देखने के लिए हमेशा ही उचित उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया कि ग्रहण के दौरान भगवान के किसी भी चीज पर, मूर्ति पर आदि को हाथ नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को भी छूना मना होता है। कहते हैं कि सूतक से पहले तुलसी के पत्ते तोड़ ले। सूतक से लेकर ग्रहण समाप्त होने तक तुलसी के पत्ते को हाथ भी ना लगाएं। हालांकि ये भारत में दिखाई नहीं देगा और इस दिन होली का पावन त्यौहार है, इसलिए आप पूजा पाठ कर सकते, कोई मनाही नहीं है। हालांकि ग्रहण के समय जितनी आप सावधानी बरतेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। पहले से तोड़ के रख ले तो अच्छा रहेगा। ग्रहण का प्रभाव यानी तभी पड़ता है जब सूतक काल लगा हो और ग्रहण पड़ा हो, तो जिन जिन देशों में दिखाई देगा उन उन देशों में इसका प्रभाव पड़ा रहेगा। साथ ही गर्भवती महिलाओं को नुकीली चीज, चाकू, सुई, कैंची, धारदार वाली वस्तु गर्भवती महिलाएं ना छुए, और इसमें दूध, दही और अन्य खाद्य पदार्थों में तुलसी का पत्ता रख दें। ऐसा करने से खाने की चीजें ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, बता दें कि ग्रहण समाप्त होने के बाद आपको गंगा जल डालकर नहाना चाहिए, पूरे घर को स्वच्छ बना देना चाहिए गंगा जल से छिड़काव करके, क्योंकि जो ग्रहण के समय जो आसुरी शक्तियां होती है, नकारात्मक शक्तियां, जैसे कि भूत, प्रेत, चुड़ैल, काली शक्तियों का वास हो जाता है, तो दोस्तों गंगा जल के छिड़कने से दूर हो जाते हैं। और जब ग्रहण समाप्त हो तो दान दक्षिणा जरूर करें, नहा धोकर दान दक्षिणा करें। भगवान ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को भगवान का स्मरण करना चाहिए, नाम मूर्तियों को ना छुए, लेकिन जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, ये काफी अच्छा रहेगा। किसी भी चौराहे पर पड़ी अनजान वस्तुओं को अपने घर पर नहीं लाना चाहिए। दरअसल ऐसे समय में तांत्रिक लोग अपनी काली शक्तियों को सिद्ध करने के लिए ऐसी जगह पर रुपया, सिक्का, पैसा छोड़कर आ जाते हैं। अगर आप ले लेते हैं तो ये आपके लिए भारी नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के टाइम में हमें अपने बाल, नाखून नहीं कटवाना चाहिए। साथ ही सिलाई कढ़ाई नहीं करनी चाहिए, इसमें विशेष ध्यान रखिएगा। हम अपने घर में मौजूद पूजा स्थल में प्रवेश ना करें और ना ही हमें मंदिरों के कपाट खोलने चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप करें इस समय, और चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी धारदार अथवा नुकीली चीज, जैसे कि कोई भी चीज का उपयोग ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सब्जियों को भी काटने से वर्जित माना गया है, इसमें कोई भी नुकीली चीज का प्रयोग ना करें। हमें ग्रहण के समय इन नियमों को जरूर मानना चाहिए। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद हमें पानी से गंगा जल को पूरी तरह से घर को स्वच्छ बना देना चाहिए, और फिर बाद में भगवान चंद्रदेव को यानी कि एक लोटा जल भी अर्पित करना चाहिए जब ग्रहण समाप्त हो जाए, क्योंकि ये ग्रहण सोमवार को लग रहा है, तो ऐसे में ग्रहण के समय दान दक्षिणा जरूर करें। और होली के दिन लग रहा है तो होली के पावन त्यौहार पर आप होली भी खेल सकते हैं, शुभ कार्य कर सकते हैं, चूंकि ये भारत में दिखाई नहीं देगा, तो इसमें दान भी करें, कंबल वगैरह दान करें, सफेद वस्तु का दान करें, गेहूं है, तिल का दान करें, जो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक, इसके 14 दिन बाद सूर्य ग्रहण भी लगेगा। दोस्तों, इस बार चंद्र ग्रहण पर होली का भी शुभ संयोग बन रहा है, जिसके कारण इस बार ये बहुत ही शुभ है। तो एक छोटा सा उपाय जरूर करें जिससे आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। यह एक छोटा सा काम करने से हर गर्भवती महिलाओं का, हर विशेष व्यक्तियों का, महिलाओं के लिए खास रहेगा। दोस्तों, बता दें कि जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो आप यानी कि अनाजों का दान जरूर करें, तिल का दान करें, या फिर आप उससे पहले एक छोटा सा उपाय कर ले, जैसे कि ग्रहण जब शुरू हो जाए तो उससे पहले आप 1 रुपए का, 5 रुपए का या 10 रुपए का सिक्का ले लें, उसमें अपने नाम का पहला अक्षर लिख दें और ग्रहण लगने से पहले इसे आप बाहर रख दें, और ग्रहण की जो किरणें हैं इस सिक्के पर पड़नी चाहिए। बाद में जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो इस सिक्के को लेकर आइए, एक दीपक जलाकर इसे 3 बार उल्टे मार के इसे धन पेटी पे रख दें, इतना धन बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे। तो ये एक छोटा सा टिप्स उपाय था चंद्रग्रहण होली के दिन भी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। दोस्तों, ये चंद्रग्रहण से संबंधित विशेष जानकारी थी। जय शनिदेव।